मैंने अपना S24 Ultra फेंक दिया क्योंकि मुझे मिला है ये 200mm का 4K सुपर टेलीफोटो लेंस। ये S24 Ultra से कहीं ज्यादा बेटर क्वालिटी का जूम देता है, बेटर क्वालिटी का पिक्चर देता है और बैकग्राउंड ब्लर भी देता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये लेंस सभी फोन के साथ काम करता है, चाहे आपका 15,000 रुपए का एंड्रॉइड हो या फिर 1,00,000 का आईफोन हो। और इससे आप 4K क्वालिटी में हाई क्वालिटी फोटो एंड वीडियो शूट कर पाओगे कुछ इस तरह के। यह है एक 200mm का सुपर टेलीफोटो लेंस जिसे हम आसान भाषा में जूम लेंस बोलते हैं और ये आता है कासे ब्रांड की तरफ से। ये बॉक्स है लेंस का जिसमें हमें मिल जाता है लेंस, पूरा मेटल का बना है ये, साथ में एक मोबाइल लेंस होल्डर, ये भी पूरा मेटल का बना है, और एक ब्लूटूथ शटर रिमोट दूर से वायरलेसली फोटो वीडियो शूट करने के लिए। इसे यूज करना बहुत इजी है। जो लेंस होल्डर आपको मिलता है उसको अपने फोन के कैमरे पे ऊपर की तरफ से या साइड की तरफ से अटैच कर दो। मेक श्योर कि ये जो होल है कैमरे के बिल्कुल ही बीचों बीच होना चाहिए। फिर सामने की इस थ्रेड को टाइट कर दो, मेक श्योर इसको ओवर टाइट मत करो वरना आपके फोन का डिस्प्ले रेस्ट इन पीस हो जाएगा। और फिर सिंपली इस लेंस को होल्डर के ऊपर अटैच कर दो कुछ इस तरीके से, और अभी ये लेंस रेडी हो चुका है आपके फोन के साथ जूम करने के लिए। ये 200mm का टेलीफोटो लेंस है, तो जूम का अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो आप अपने फोन से 6x जूम करने पर जैसा फ्रेम आपको मिलता है इस लेंस के थ्रू सेम वैसा ही फ्रेम आपको मिलता है। अभी आप बोलोगे Samsung Realme 100-120x तक जूम करता है और ये बस 6x ही जूम करता है, बट वेट, दोनों के जूम में डिफरेंस है। Samsung या Realme जो जूम करता है वो डिजिटल जूम करता है, यानी कि आपके फोटो को ही डिजिटली क्रॉप करके आपको देता है जिससे कि फोटो का रेजोल्यूशन डाउन होता है। पर ये लेंस जो जूम करता है ये ऑप्टिकली जूम करता है, तो आपके फोटो का रेजोल्यूशन बिल्कुल भी डाउन नहीं होता है और आपको हाई क्वालिटी फोटो मिलता है। लेट मी क्विकली कैप्चर सम सैंपल्स, फिर इस लेंस के बारे में मैं आपको और डिटेल देता हूं। टेलीफोटो लेंस के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको पता होगा टेलीफोटो लेंस में डिस्टॉर्शन और ब्लरी एज का प्रॉब्लम रहता है। यानी कि फोटो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोटो के सेंटर में आपको ज्यादा शार्पनेस दिखेगा और फोटो के कॉर्नर के एरिया में शार्पनेस आपको बहुत ही कम दिखेगा। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर जो भी सारे टेलीफोटो लेंसेज दिखाए थे सभी में डिस्टॉर्शन और ब्लरी एज का प्रॉब्लम था। इस लेंस में भी है बट बहुत ही मिनिमल है। नॉर्मली फोटो देखकर आपको क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं दिखेगा, पर अगर आप फोटो को जूम करके कॉर्नर के एरिया को देखोगे तो वहां पर शार्पनेस थोड़ा कम कैप्चर होता है। बाय द वे, फोटो का क्वालिटी आप खुद ही चेक कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कुछ फोटो का डाउनलोड लिंक दे रहा हूं, फोटो को डाउनलोड करो और खुद से क्वालिटी चेक करो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेंस के ऊपर आपको दिखेगा एक MF रिंग, यानी कि मैनुअल फोकस रिंग। इस रिंग को घुमाते हुए आप फोकस को पास या दूर लेकर के जा सकते हो। एक DSLR या मिररलेस कैमरा में जिस तरीके से मैनुअल फोकस किया जाता है, सेम उसी तरीके से इस रिंग को घुमाते हुए आप फोकस को एडजस्ट कर सकते हो और अपने सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपरली फोकस करते हुए शार्प फोटो कैप्चर कर सकते हो। इस लेंस का अगर मैं आपको यूज बताऊं तो स्पेशली पोर्ट्रेट शूट के लिए या फिर रील्स बनाने के लिए अगर आप कोई लेंस लेने का प्लान कर रहे हो, देन आई थिंक ये जो लेंस है आपको हेल्प कर सकता है। बैकग्राउंड ब्लर करके पोर्ट्रेट बनाना हो या फिर रील्स बनाना हो, तब आप इस लेंस का यूज कर सकते हो। इस लेंस को यूज करने के लिए आपको फोन से मिनिमम 20 फीट का डिस्टेंस तो रखना पड़ेगा, तो खुद ही खुद के फोटो वीडियो अगर आपको शूट करना है तो थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। आप ट्राइपॉड के ऊपर फोन को लगा करके शूट कर सकते हो। ऐसे में ये जो ब्लूटूथ शटर रिमोट है आपको बहुत मदद करेगा। फोन के साथ रिमोट को आप ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके इस रिमोट को प्रेस करके वायरलेसली फोटो वीडियो शूट कर सकते हो। तो खुद ही खुद के फोटो वीडियो शूट करने के लिए ये रिमोट बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, जो कि लेंस के साथ ही आपको फ्री मिल जाता है। टेलीफोटो लेंसेज का और एक प्रॉब्लम है, इनको अगर आप ऐसे हैंडल्ड इस्तेमाल करते हो, यानी कि हाथ में पकड़ के इस्तेमाल करते हो, तो फोटो और वीडियोस बहुत ज्यादा अनस्टेबल, बहुत ज्यादा शेकी रिकॉर्ड होता है। तो बेटर होगा आप फोन को एक ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करो, इससे आपको स्टेबल और स्मूथ फोटो वीडियो मिलेगा। बाय द वे, लेंस का जो करंट प्राइस है वो अभी आपको डिस्प्ले पर दिख जाएगा। लेटेस्ट प्राइस अगर आपको चेक करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया होगा, उस लिंक से आप प्राइस भी चेक कर सकते हो या फिर परचेस भी कर सकते हो।